कैसे हैं आप लोग? आज तो पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग फिर तमिल सीखेंगे। मजा आ रहा है ना अन्ना के साथ तमिल सीखने में? आज हम लोग फिर सीखेंगे और बहुत ही मजेदार टॉपिक पे सीखेंगे। पता है कौन सा? दर्द तो लगा ही रहता है, कैसे हुआ? सिर दर्द है, हाथ दर्द है, पैर दर्द है, तो आज हम लोग डॉक्टर से कैसे बातें करते हैं उसके बारे में जानेंगे और बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ जानेंगे। ठीक है, बुलाऊं अन्ना को? ठीक है अन्ना, आइए। हेलो फ्रेंड्स, वणक्कम। नल्ला इरुक्कींगला? नल्ला इरुक्कींगला? नल्ला इरुक्कींगला? फ्लड्स का चलते थोड़ा सा देर हुआ हमारे आने में। चेन्नई सिटी पूरा पानी पानी है, इसलिए देर हुआ। आज मेरे सिस्टर दीपा जी के साथ एक अच्छा टॉपिक देने वाले हैं। आप लोग आराम से बैठ के सुनिए, रिलैक्स, प्लीज लिसन। ओके, शैल वी गो अहेड? देखे ना, हमारे अन्ना कितने सिंसियर हैं। वो भी चाहते हैं कि आप लोग को रेगुलरली आप लोग को सिखाएं, ताकि आप तमिल के टच में रहें। यदि हम इसके टच में नहीं रहेंगे ना, तो भूल जाएंगे। हम लोग के लिए तो ये नई भाषा है। तो आज हम लोग अन्ना से सीखेंगे कि यदि डॉक्टर के पास जाते हैं तो किस तरह से बातें करते हैं। तो साथ ही साथ इसके लिए हमें क्या जानना होगा? हमें तो पहले जानना होगा कि शरीर के अंगों के नाम क्या है, साथ ही उसको जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि किस बीमारी को क्या कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, दर्द, वो सबको देखेंगे, साथ ही साथ में शरीर के पार्ट ऑफ द बॉडी के भी नाम जानेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। जैसे अन्ना, यदि हमें कहना है मुझे बहुत बुखार है, मुझे बहुत बुखार है, सीजन भी चल रहा है ना, तो उसे कैसे बोलेंगे अन्ना, बताइए आप। मुझे, आपको तो मालूम है, मुझे यदि बहुत रोम्बर बुखार बुखार जोरम, मुझे बहुत बुखार यदि रोम्बर जोरम, जोरम मतलब फीवर, काइचल, जोरम काइचल फीवर बुखार, यदि रोम्बर काइचल यदि रोम्बर जोरम। देखिए अन्ना ने कितने अच्छे समझा दिया। मुझे, मुझे को क्या बोलेंगे? एनक, एनक। मैं जो बोल रही हूँ उसे मत सुनिएगा, एनक जो अन्ना बोल रहा है ना उसे सुनिएगा, एनक। रोम्बा, इससे पहले वीडियो में लोग रोम्बा जाने हैं। रोम्बा, रोम्बा मतलब क्या होता है? बहुत, रोम्बा बहुत। और बुखार, फीवर, इसे जुरम कहते हैं, चाहे काइचल भी कहते हैं। तो हमें तमिल में है लगाने की आवश्यकता नहीं है, है हमें नहीं लगाना है। तो क्या बोलेंगे? एनक रोम्बा जुरम या काइचल, एक ही चीज को बोलना है, इसे या इसे। ठीक है ना, एनक रोम्बा जुरम है ना, बहुत आसान, बहुत आसान है फ्रेंड्स, बस हमें केवल इंटरेस्ट पे करना है। चलिए अब आगे देखते हैं अन्ना। यदि हमें कहना है कि बदन में दर्द है, शरीर में बहुत दर्द है, तो कैसे कहेंगे? हैवी बॉडी पेन, मुझे बहुत शरीर में दर्द होती है। तो सुनिए क्या करेंगे, आपको तो पता है, वेरी वेरी इजी। எனக்கு बॉडी உடம்பு, எனக்கு உடம்பு बहुत ரொம்ப पेन दर्द वाली, वेरी वेरी सिंपल। देखिए वाली वाली, पेन का दर्द होता है, दर्द का तमिल में वाली होता है, वेरी वेरी सिंपल वाली। எனக்கு बॉडी पूरा बदन, बदन में எனக்கு உடம்பு ரொம்ப வலி, எனக்கு உடம்பு ரொம்ப வலி, சிம்பிள் ஹோ கயா, சம்ஜியே। देखिए फ्रेंड्स, कितना आसानी से हमारे अन्ना ने हमें बताया वली, बस इसे याद रखिए, क्योंकि दिन भर तो हम लोग को ये शब्द तो हम लोग दिन भर में कम से कम एक बार यूज करते हैं, यहाँ दर्द वहां दर्द। तो वली, वली का मतलब क्या हुआ? वली का मतलब हुआ दर्द, पेन। ठीक है, इसको याद रखिए। और हमें क्या बोलना? उड़म्ब, उड़म्ब, उड़म्ब का मतलब क्या हुआ? बॉडी, शरीर। ठीक है ना, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, मेरा शरीर बहुत दुख रहा है, ज्यादातर बोलते हैं ना मेरा शरीर पूरे बॉडी में बहुत पेन है, दुखने की जगह भी आजकल पेन वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है ना, तो बहुत दुख रहा है, तो उसे फिर क्या बोलेंगे? एनक, एनक मतलब मुझे। यहाँ पर देखिए मुझे है, एनक मतलब मुझे, लेकिन हिंदी में बोलेंगे तो मेरा शरीर बहुत दुख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मुझे से ही संबंधित है, लेकिन उसको ऐसे बोलेंगे एनक। फिर आ गया देखिए रोम्बा, रोम्बा, रोम्बा मतलब बहुत, एनक रोम्बा मतलब मेरे शरीर में बहुत। फिर उडम्बो, उडम्बो शरीर हो गया, वली दर्द हो गया, एनक रोम्बा उडम्बो वली, मेरे
मेरा शरीर बहुत दुख रहा है या मेरे शरीर में बहुत दर्द है। अन्ना ठीक बोल रही ना, एक बार आप बोल के बताइए अन्ना इसको। எனக்கு ரொம்ப உடம்பு வலி, எனக்கு ரொம்ப உடம்பு வலி, ठीक है तो समझ गया। चलिए नेक्स्ट विषय, चलिए अब बातें करते हैं। यदि हमारे सिर्फ दर्द है तो दर्द के लिए भी अन्ना ने क्या बताया, जल्दी से बताइए, दर्द के लिए क्या बताया था? दर्द के लिए कहा वल्ली, ठीक है, दर्द के लिए वल्ली देखिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, शरीर के अंगों का नाम जानना है, तभी तो बता पाएंगे कहाँ पे दर्द है। तो सबसे पहले बोलना है सिर, सिर को क्या बोलते हैं अन्ना, सिर को क्या बोलेंगे? सिर दर्द का इक्विवेलेंट हो गया तला वली, दिस इज तला, ये है तला हो गया, पेन तो हो गया वली, तला वली, तला वली, देखिए तला वली सिर दर्द, ठीक है ना। यदि हमें कहना है मुझे बहुत सिर दर्द है, बहानेबाजी के लिए भी चलेगा, है ना, तो सच बोलना है तब भी चलेगा, बहाना करना है तब भी चलेगा। यदि हमें कहना है मुझे बहुत सिर दर्द है तो क्या बोलेंगे मुझे के लिए? எனக்கு ரொம்ப தலைவலி, देखिए ना कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, எனக்கு ரொம்ப தலைவலி। जब आप बोलिए ना, देखिए अन्ना ने कितनी अच्छी तरह से बताया, जब आप बोलिए ना तो मेरे जैसे मत बोलिए, मेरा सिर दर्द हो रहा है, कोई विश्वास नहीं करेगा हंसते हुए बोलने से। फिर आपको सिर पकड़ के बोलना है எனக்கு ரொம்ப தலைவலி, मतलब मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है। तो फेस से भी दर्द दिखना चाहिए, எனக்கு ரொம்ப தலைவலி, याद रखिए वली मतलब क्या हुआ, वली मतलब दर्द हुआ, तला मतलब क्या हुआ, तला का मतलब सिर हुआ, ठीक है। अब उसी प्रकार से पेट, पेट को क्या कहेंगे अन्ना? पेट को कहेंगे वायर, वायर, रोम्ब वायर वली, रोम्ब वायर वली, डॉक्टर विल अंडरस्टैंड, समझ जाएंगे, रोम्ब वायर वली। देखिए यहाँ पे देखिए वायर लिखी हूँ, लेकिन जब अन्ना बोल रहे हैं देखिए वो वायर वली बोल रहे हैं, वायर वली, पेट को वायर वली, वली मतलब क्या हुआ, दर्द हुआ, तो वायर वली पेट दर्द है ना अन्ना, वायर वली पेट दर्द। तो हमें बोलना है मुझे बहुत पेट दर्द है तो क्या बोलेंगे, எனக்கு ரொம்ப வயிறு வலி, सही है ना, ரொம்ப வயிறு வலி, सही है। उसी प्रकार से पैर, पैर को क्या कहेंगे, हो गया काल, लेग, हाँ पैर हो गया काल, तो फिर क्या बोलेंगे, काल वली, काल वली सही है ना, काल वली, काल वली। यदि हमें बोलना है मुझे बहुत पैर में दर्द है, मुझे पैरों में बहुत दर्द है, जैसे भी बोलिए, तो फिर क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको नहीं बताऊंगी, फटाफट कमेंट करके बताइए। यदि हमें बोलना है मुझे पैरों में बहुत दर्द है तो क्या बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, हाथ, हाथ को क्या कहेंगे ना, कई, कई हाथ, कई, कई मतलब हाथ। यदि हमें बोलना है हाथ में बहुत दर्द है तो फिर क्या बोलेंगे, எனக்கு ரொம்ப கை வலி, கை வலி, எனக்கு ரொம்ப கை வலி, எனக்கு ரொம்ப கை வலி, எனக்கு ரொம்ப கை வலி। चलिए उसी प्रकार कमर, कमर को बोलते हैं इडुप्पु, इडुप्पु, इडुप्पु। देखिए यहाँ पे देखिए हिंदी में हम लोग जो लिखे हैं तो इडुप्पु ऐसा लगेगा, लेकिन आपको सही उच्चारण कैसे करते हैं जानना है तो अन्ना की बातें ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो यदि बोलना है हमें कि मुझे कमर में बहुत दर्द है तो क्या बोलेंगे, எனக்கு ரொம்ப फिर इडुप्पु वली, सही वली, सही, यू आर राइट। यदि कान, कान को क्या बोलते हैं, हो गया बोलिए कान, कादु, 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 वेरी सिंपल, कादु, कान, हाँ कान को बोलेंगे कादु, तो उसी प्रकार से कादु वल्ली है ना आसान, कादु वल्ली कान के लिए, सेम वैसे ही मुझे कान में बहुत दर्द है। उसी प्रकार आंख, आंख को क्या कहेंगे, कण, अन्ना, तन्नी, उसी टाइप का कण, कण नहीं है कण, थोड़ा स्ट्रेस देके बोलिए कण, எனக்கு கண்ணு வலி, டாக்டர் समझ जाएंगे எனக்கு கண்ணு வலி। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि जो न का जो प्रोनाउंस कर रहे हैं वो थोड़ा अलग तरह से है, यहाँ पे कन नहीं है, कन, कन, उसमें जीभ को पोजीशन को थोड़ा ध्यान देखेंगे कैसे बातें करते हैं, कन मतलब जीभ जो है ना थोड़ा ऊपर की ओर सटता है, ठीक है ना, आंख, तो कन वाली मतलब आंख में दर्द है, ठीक है। उसी प्रकार से गला में, आजकल सीजन भी ऐसा चल रहा है ना, गले में बहुत दर्द होता है तो गला, गला को क्या कहते हैं ना, गला को कहते हैं तोंडा, तोंडा वाली, எனக்கு தொண்டை வலி, हाँ तोंडा वाली, எனக்கு எனக்கு ரொம்ப, ரொம்ப बोलना मत भूलिए, तभी लोगों की सहानुभूति मिलेगी, बहुत दर्द हो रहा है तो क्या बोलना है,
तोंडा, तोंडा मतलब तोंडा मतलब गला, फिर एनक, एनक मतलब मुझे, रोम्बा, रोम्बा मतलब बहुत, तोंडा वाली का मतलब हो जाता है, तोंडा वाली मतलब गले में दर्द है, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए अब आगे देखते हैं, चलिए आगे बढ़िए। अब बातें हो रही हैं बिल्कुल मौसम जो चल रहा है, किस चीज का सुहाना मौसम की बातें नहीं हो रही है, सर्दी खांसी की बातें हो रही हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग डॉक्टर के पास हैं। यदि हमें सर्दी खांसी की बात होगी तो सर्दी को क्या कहते हैं, खांसी को क्या कहते हैं, अभी हमारे अन्ना हमें बताएंगे। अन्ना बताइए सर्दी खांसी सबको क्या कहते हैं? सर्दी जलदोषम, जलदोषम सर्दी हो गया, काफ खांसी, इरुमल, इरुमल बोलिए तो इरुमल काफ हो गया, और जल्दी सर्दी, सर्दी का क्या हो गया कोल्ड, कोल्ड का क्या हो गया जलदोषम, वेरी वेरी सिंपल, जलदोषम कोल्ड हो गया, और खांसी काफ का हो गया इरुमल। ओके दीदी समझाइए। देखिए सर्दी, सर्दी क्या समझ रहे हैं, नाक से पानी निकलता है ना, बिल्कुल आसान ट्रिक्स बता रही हूँ, नाक से पानी निकल रहा है ठीक है ना, तो जल कहाँ से निकलना चाहिए, नाक से निकलना चाहिए क्या, तो सर्दी के लिए जल याद रखिए दोषम, मतलब वो जल जो है ना दोष रहे, दोष के साथ निकल रहा है ठीक है, तो उसको याद रखिए दोषम, सर्दी को क्या बोलेंगे जल दोषम। इरुमल, इरुमल मतलब खांसी ठीक है ना, खांसी, खांसी को बोलेंगे इरुमल, इरुमल अन्ना जैसे बताएंगे उसको ध्यान, इरुमल, इरुमल ठीक है ना, इरुमल ल के बाद अ अच्छी तरह से बोलना है, इरुमल, इरुमल ठीक है, तो खांसी के लिए हो गया। अन्ना यदि हमें बोलना है कि मुझे खांसी है तो कैसे बोलेंगे, मुझे खांसी है எனக்கு இருமல், எனக்கு இருமல, सपोज दो दिन से बड़ी परेशान है, काफ हो रहा है, तो बोलिए எனக்கு ரெண்டு நாளா ரொம்ப இருமல், எனக்கு ரெண்டு நாளா, நாளா டூ டேஸ், எனக்கு ரெண்டு நாளா இருமல், ரொம்ப இருமல், கிட்டத்தட்ட ஆசான் தேக்கி आसान है। अभी एनक तो सीख लिया ना, एनक सबसे आसान है, यदि हमें बोलना है ना दो दिन से खांसी है या खांसी है, मान लीजिए खांसी है तो क्या बोलेंगे, खांसी है तो एनक इरुमल, बस हो गया, हो गया मुझे खांसी है। मान लीजिए आप किसी से बातें कर रहे हैं बीच बीच में खांस रहे हैं, तो आपको बोलना है एनक इरुमल, मतलब मुझे खांसी है, सामने वाला समझ जाएगा, अब एनक इरुमल हो गया। अब फिर यदि बोलना है एनक हो गया ठीक है ना, इरुमल हो गया, यदि हमें बोलना है दो दिन से, तो दिन को क्या बोलेंगे, दिन को बोलेंगे नाला, दिन को नाला, दो, दो को क्या बोलेंगे, दो को रेंडो, रेंडो, दो को रेंडो, एक को रेंडो। इसके बाद हम लोग जो है ना नंबर का भी वीडियो लाएंगे और अच्छी तरह से नंबर का प्रयोग करने सीखेंगे, क्योंकि नंबर की बात तो होती ही रहती है हर जगह। खैर आज हम लोग यहाँ देखते हैं एनक रेंडो नाल इरुमल जल दोषम, जल दोषम எனக்கு ரெண்டு நாளா இருமல் ஜலதோஷம், ஜலதோஷம் மத்தம் यहां पर खांसी की बात नहीं हो रही है, सर्दी, जलदोषम याद रखिएगा, जल में दोष उत्पन्न हो जा रहा है, जल को जहां से आना चाहिए वहां से नहीं आ रहा है, नाक से निकल रहा है, तो जलदोषम ठीक है ना, तो எனக்கு ரெண்டு நாளா இருமல் ஜலதோஷம், ये तो ரெண்டு நாளா हो गया। फिर मान लीजिए बहुत दिनों से हो रही है ठीक है, तो क्या बोलेंगे எனக்கு, अन्ना बहुत को क्या बोलेंगे, रोम्बा, रोम्बा, रोम्बा नाला, हाँ रोम्बा नाला, कितना मजेदार और आसान है, रोम्बा नाला इरुमल जलदोषम ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, रोम्बा, रोम्बा जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलने में, पता नहीं शब्द के साथ क्या लग रहा है, म्यूजिक भी है, मस्ती भी है, ऐसा लगता है रोम्बा, रोम्बा है ना, रोम्बा, रोम्बा मतलब बहुत, नाला दिनों से, इरुमल, इरुमल मतलब क्या हो गया खांसी, जलदोषम, जलदोषम मतलब सर्दी, तो क्या हो गया एनक रेंडु नला इरुमल जलदोषम, मतलब मुझे जो है दो दिनों से सर्दी खांसी है, और बहुत दिनों के लिए रोम्बा नला है ना सर। चलिए तो फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, एनक रेंडु नला इरुमल जलदोषम, अन्ना सही है, नाला ने नाला, ला नाला, नल्ला अच्छा हो गया, नल्ला वो नहीं है, अच्छा ये नल्ला, अच्छा ये नल्ला अच्छा हो गया। फ्रेंड्स यही समस्या होती है तमिल में, मलयालम में यही समस्या होती है, अब ना कैसे बोलना है देखिए, अभी हम लोग अन्ना सिखाएंगे ठीक है, ये नाला जो है इसको नाला नहीं बोलना है, फिर तो मैं भी सोच रही तो पानी वाला नाला हो जाएगा, वो नाला नहीं है, यहाँ पे नाला, नाला थोड़ा स्ट्रेस देके बोलना है, नाला, नाला, देखिए ये नाला, ना
ला, ना ला, तो नाला का मतलब दिन हो गया। अबे नल्ला, सिंपल ला, नल्ला मतलब अच्छा, ऐसे ही नन्ना है जी। करेक्ट करेक्ट। हाँ, इसका अगर प्रोनाउंसेशन हम लोग और अच्छे तरह से बता दीजिए। ये ना कि रेंड नाला, नाल इस डे, नाल का मतलब है दिन, ये ना कि रेंड नाला, इरुमल जागोशम। तो फ्रेंड्स, मजा आया ना तमिल सीखने में? अच्छा लगा? फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, मजा आता है, तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी चीज है कि जितना ज्यादा हम लोगों से बातें करेंगे ना, उतने ही ज्यादा हम अच्छी तरह सीख पाएंगे। और सबसे अधिक तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अन्ना को धन्यवाद बोलना है, ताकि हम लोग को तमिल सीखने में मदद कर रहे हैं। धन्यवाद अन्ना। थैंक यू। यू एंजॉयड दिस सेशन? रिलैक्स कीजिए, समझ लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बोलते बोलते प्रैक्टिस कीजिए, तब आसान से हो जाएगा। ठीक है, ओके, मीन्टुम संदीपोम, फिर मिलेंगे। ओके, फिर मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।